तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सारे सामान से गजब की चीज़ बनाएंगे। तो इसीलिए पूरी वीडियो वॉच करना, अगर आप पूरी वीडियो वॉच नहीं करोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने कॉयल वाइंडिंग कर रखी है, और ये मेरे पास ट्रांसफार्मर की कॉपर है। ते ही एक ट्रांसफार्मर की कॉपर लेके उसको पूरी की पूरी ऐसे एक बना के उसके ऊपर वाइंडिंग करनी होगी। तो ये मैंने बनाया है, जो स्पीकर को आप तोड़ोगे तो ये पीछे से निकलेगा। इसको निकाल के मैंने इसके ऊपर ये जो पीवीसी पाइप की गोल वाशल बना के लगा लेनी है आगे। तो चलिए, ऐसे मैंने ये तो वेंडिंग कर रखा है, तो इसको हम लोग साइड में करते हैं। तो आपको ऐसे ही इसके ऊपर वेंडिंग करनी है। ये पूरी की पूरी जो ट्रांसफार्मर की कॉपर है, हमको इसके ऊपर वेंडिंग करनी है। तो इसके लिए ये मेरे पास जो मोटर है, ये बहुत ही कम आरपीएम पे घूमती है, क्योंकि अगर ये वाली मोटर यूज़ करेंगे तो ये पूरी की पूरी वायर को बार बार तोड़ देगी। तो इसलिए हमको कम आरपीएम वाली मोटर चाहिए। तो अब हम इस मोटर के इसको चिपका लेंगे फेविक्विक की मदद से, कुछ इस तरह से। इसको चिपकाने के बाद ये जो पूरी की पूरी वायर है, इसके ऊपर वेंडिंग कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से पहले हम लोग वायर वेंडिंग कर लेते हैं। तो ओके दोस्तों, फाइनली हमने ये पूरी की पूरी वायर इसके ऊपर लपेट ली है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम लोग टेप वगैरह लगा देंगे, ताकि ये बाहर निकले वगैरह ना, क्योंकि ये बहुत ही, आप देख सकते हो, ब्रीक है। अगर एक भी टर्न कम हो गया या इधर उधर होगी तो पूरी की पूरी वायर ख़राब हो जाएगी। तो ये मेरे पास डबल टेप है, हम लोग इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से चिपका देंगे, ताकि ये हिले वगैरह ना। ओके दोस्तों, तो हमने इसको डबल टेप लगा के आगे से बंद कर लिया है, ताकि ये वायर वगैरह बाहर हिले चुले ना। इसको हम आगे से उतार लेंगे आराम से। उतारने के बाद ये जो दोनों वायर हैं, इसको हमको शोल्डिंग करना है। तो अब हमें एक लेना है लकड़ी का पीस। तो ये रहा लकड़ी का पीस। तो ओके, अब हम इन दोनों में से कोई भी मोटर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ये वाली मोटर यूज़ कर लें और चाहे ये 555 की मोटर यूज़ कर लें, दोनों ठीक है। इसमें से हम ये बड़ी का यूज़ करेंगे, इसको करेंगे साइड में। ओके, तो ये जो हमने एक लकड़ी का पीस ले रखा है, इसके ऊपर हमने जो स्पीकरों का पीछे कवर होता है उसको चिपका लिया है, ताकि ये थोड़ा हाइट पे रहे। तो इसलिए ऐसे ही हम अपनी ये जो मोटर है, इसको यहाँ पे चिपका लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हमको मैग्नेट चाहिए। ये मेरे पास एक मैग्नेट वाली मोटर है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इनका ही यूज़ करेंगे। तो चलिए, इसको चिपकाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपनी मोटर को फिट कर लेते हैं। इसको भी हम फेविक्विक की मदद से ही चिपका देंगे। के मोटर को चिपकने के बाद हमने ये जो बना रखा है, अब देख सकते हो यहाँ पे भी मैग्नेट लगे हुए हैं चारों साइड में। ये मैंने एक लकड़ी का क्रॉस बना के इसके ऊपर चारों साइड में मैग्नेट लगा रखे हैं। तो इस हम क्रॉस को अब इसके आगे कुछ इस तरह से फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। मोटर की वायरें लगा के इसको चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, आप देख सकते हो कि कितनी स्पीड पे घूम रहा है। तो ओके, अब ये जो हमने इसके ऊपर कॉपर वायर वेंडिंग कर रखी है, इसको कुछ इस तरह से लगाना है, इसके आमने सामने दोनों साइड में। एक को हम लोग यहाँ पे लकड़ी के पीस के साथ इसको ऐसे चिपका देंगे, और ऐसे ही दूसरे को दूसरी साइड में चिपका देंगे। इसको हीट इसीलिए करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेटेड चढ़ाया होता है, ताकि ये छोट वगैरह ना हो। इसीलिए हमने दो तारों का आपस में कनेक्शन देना है। तो चलिए, दो वायरों को आपस में जोड़ लेते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा मोटर को रन करा के देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देती है। ओके दोस्तों, ये वाला एक्सपेरिमेंट तो हमारा फेल हो गया। तो ये जो हमारे पास दूसरी मोटर है, आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर ये जो मैग्नेट है, तो इसको हम लोग सेट करके चेक करेंगे। तो चलिए, इस वाली मोटर को साइड में कर देते हैं।
तो चलिए पहले हम ये कैप को वापस से चिपका लेते हैं। अब दोबारा से हम अपनी कॉइलों को पास में ले चल के चिपकाते हैं इसके। और अब पहले की तरह भाई हमको कुछ भी तोड़ना फोड़ना नहीं है। चलिए दोस्तों, चिपकाने से पहले हम लोग यहाँ पे दो पत्तियाँ चिपका लेते हैं इसके साथ, कि इनमें गैप एक समान रहे। तो ये मेरे पास एक लकड़ी का पीस है, इसको हम इन दोनों में एडजस्ट कर देंगे ताकि आपस में टच वगैरह ना हो। चाहे तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं कि ये दोनों साइडों में कुछ इस तरह से रुके रहें। तो दोस्तों, ये सब सेटअप करने के बाद हमको एक एक वायर आपस में इनकी कनेक्ट कर देनी है। तो चलिए इनको एक एक वायर को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों कॉइलों का आपस में कनेक्शन हो गया है, ठीक है। तो आपस में इनका कनेक्शन करने के बाद ये जो एक एक वायर बच रही है, इसके ऊपर हम कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा, आप लोग देख सकते हो कितने वोल्टेज का स्पार्क हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो मेरे पास अभी CFL जल रही है, हम इसको भी इसके ऊपर जला सकते हैं। और हाथ वगैरह इसको मत लगाना। आप लोगों को मैं एक बार नज़दीक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें से अभी 220 वोल्ट की सप्लाई बाहर आ रही है। देखिए कैसे स्पार्क लग रहा है। अगर आप इसको टच वगैरह करोगे हाथ से तो आपको छोट वगैरह लग सकता है। तो ये इसकी सही वायरिंग है और हमें ऐसे ही रखनी है। और चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए कोई 220 वोल्ट की चीज़ लेते हैं। तो ओके दोस्तों, ये हमने जो शू है इसको हम कुछ यहाँ पे इस तरह से फिट करके इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसको पहले यहाँ पे फिट कर लेते हैं। पूरी तरह से शोल्डर कर लिए आप लोग देख सकते हो। तो हम इसको इसमें कनेक्ट करके अपना फ़ोन चार्जिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब हम इसके ऊपर CFL टेस्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।